shift our focus to the Aam Aadmi Party press conference that's currently underway. मेघालय में तो सरकार बनाने का प्रयोग सफल हो गया था, हेमंत विश्व शर्मा को कांग्रेस तोड़कर अपनी पार्टी में लाने का तो प्रयोग सफल हो गया था, अरे ईडी की जांच मुकुल राय पर कराकर उनको तोड़ने में तो सफलता मिल गई थी, उसको भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया गया था, लेकिन यहां पूरी की पूरी बीजेपी रो रही है, ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस बन गया, कुछ नहीं कर पाया दिल्ली में। और भाजपाइयों, अब इधर उधर की बात मत करो, तुम्हारी ये ईडी सीबीआई की जांच ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा थी, एक दबाव बनाने की कोशिश थी, दिल्ली की सरकार को गिराने का नापाक इरादा था, जिसको आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने फेल करने का काम किया। तुम्हें जितनी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करना हो, जितनी जांच एजेंसियों के जरिए दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश करनी हो, गिरफ्तारी कराने की कोशिश करनी हो, कर देख लो, सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी है, ये आंदोलन के कोक से निकली हुई पार्टी है। शराब नीति शराब नीति शराब नीति का ड्रामा कर रहे हो, जहरीली शराब से जिस गुजरात में 100 से ज्यादा लोग मर गए, आज तक उसका जवाब किसी बीजेपी के नेता ने नहीं दिया, क्यों नहीं शुरू की ईडी और सीबीआई ने उसकी जांच? आप मुझे जरा बताइए, येदुरप्पा ने हजारों करोड़ का घोटाला किया माइनिंग में, आप बताइए व्यापम में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, कितने बीजेपी के नेता जेल में गए, कितने बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई हुई, आप मुझे जरा बताइए, 42,000 करोड़ रुपए का डीएचएफएल ने घोटाला किया और 29 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया, कितने बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई हुई, कितने बीजेपी के नेता जेल में गए? क्या ईडी और सीबीआई सिर्फ सरकार गिराने के लिए, सरकार के अंदर तोड़फोड़ करने के लिए एजेंसी बन गई है जो बीजेपी के इशारे पर नाचेगी और काम करेगी? ये चीज दिल्ली में हम लोग बर्दाश्त नहीं होने देंगे। इसलिए जो काम अब तक तुमने अलग अलग राज्यों में सरकारों को तोड़फोड़ करने के लिए किया है, उसका जवाब दो। ये ऑपरेशन लोटस जो ऑपरेशन बोगस बन गया, इसका जवाब दो। क्यों मनीष सिसोदिया के ऊपर दबाव बना रहे थे सरकार तोड़ने के लिए? क्यों मनीष सिसोदिया पे दबाव बना रहे थे बीजेपी में शामिल होने के लिए? क्यों मनीष सिसोदिया के ऊपर दबाव बना रहे थे ईडी सीबीआई के जरिए कि दिल्ली की सरकार गिरा दी जाए? आप पूरे देश में यही करना चाहते हो, यही ड्रामे चलाना चाहते हो, यही तानाशाही चलाना चाहते हो? अब तुम्हारी तानाशाही दिल्ली के अंदर हम नहीं चलने देंगे, और पहले भी कहा था अब भी कह रहे हैं, मुद्दा शराब नीति नहीं है, मुद्दा है केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता, कैसे 3 बार दिल्ली जीत गए, कैसे पंजाब में प्रचंड बहुमत आ गया, कैसे गुजरात में लोकप्रियता बढ़ रही है, कैसे पूरे देश में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का मिशन सफलतापूर्वक चल रहा है, इस केजरीवाल को रोको, मोदी जी की कोशिश ये है। आम आदमी पार्टी को रोको, मोदी जी की कोशिश ये है। इनके मिशन को रोको, मोदी जी की कोशिश ये है। इनकी तमाम जनता को दी जाने वाली निःशुल्क सुविधाओं को रोको, मोदी जी की कोशिश यह है। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं, मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, ना अब आपसे अरविंद केजरीवाल रुकने वाले हैं, ना शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। तो मुझे इतनी बात कहनी थी, और मैंने पहले भी कहा था, आज भी दोहरा रहा हूं, ना दूर दूर तक कोई भ्रष्टाचार हुआ था, ना है ना होगा, बहुत सारी जांचें पहले भी करा चुके, और इस बार का जो प्रयोग ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस बना, उसके ऊपर बीजेपी को जवाब देना चाहिए। संजय जी, एक सवाल है, पार्टी जब आई थी तो पार्टी में डिफरेंस की बात की आ रही थी, और कहा था कि किसी पे आरोप भी लगे तो इस्तीफा दे देने चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या अभी भी वही चीजें हैं पार्टी के अंदर, अगर किसी पे आरोप लग रहे हैं तो? देखिये, सबसे पहले तो मैं आपको इस सवाल को पूछने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि कुलदीप सेंगर की पार्टी पार्टी विद द डिफरेंस नहीं है, आप ये मानते हैं कि चिन्मयानंद की पार्टी पार्टी विद द डिफरेंस नहीं है, आप ये मानते हैं कि येदुरप्पा की पार्टी से ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती,
आप ये मानते हैं कि व्यापम घोटाले वालों से ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती? आप ये मानते हैं कि बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती? अरे शहीदों के ताबूत में घोटाला करने वालों से ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती? ये सवाल आपका यही बताता है कि आपको उम्मीद है, देश को उम्मीद है, तो एक ही पार्टी से उम्मीद है, आम आदमी पार्टी से ईमानदारी की उम्मीद है। और इसके दो उदाहरण दूंगा। भारत की आजादी के बाद एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी है जिसके नेता अरविंद केजरीवाल के पास कोई सीबीआई की शिकायत नहीं आई थी, कोई ईडी की शिकायत नहीं आई थी, कोई एसीबी की शिकायत नहीं आई थी, कोई दिल्ली पुलिस की शिकायत नहीं आई थी। बावजूद इसके अपने मंत्री का जरा सी भी गलती पाने के बाद उन्होंने निकाल के बाहर किया। याद कर लीजिए भगवंत मान जी की सरकार पंजाब में, कोई ईडी की जांच नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई एसीबी की रिपोर्ट नहीं। जैसे ही उनको भ्रष्टाचार मिला अपने मंत्री का, उन्होंने निकाल के बाहर किया। लेकिन उत्पीड़न और भ्रष्टाचार में फर्क होता है। उत्पीड़न की कहानी मैं बता रहा हूं, एक मिनट में सुनिएगा। 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर पर सीबीआई का छापा मारा गया, कहा गया बहुत बड़ा घोटाला मिल गया। क्या हो गया? 7 साल में कुछ नहीं निकला। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा मारा गया, कहा गया बहुत बड़ा घोटाला मिल गया। क्या निकला उसमें? कुछ नहीं निकला। दिल्ली के 40-40 विधायकों को पकड़ के जेल। So that's yet another counter charge coming in from the Aam Aadmi Party over the allegations leveled by the BJP. The Aam Aadmi Party says this is just the trailer picture. Abhi baki hai.